बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, हम हैं गुलशन राज़े जदीद के इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पे। और सवाल नंबर एक जो है, जिसमें तफक्कर और तफक्कर के प्रोसेस पे हज़रत इकबाल उसको एड्रेस कर रहे हैं, उन तीन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस की शक्ल लेकर। मैंने ये पिछली दफ़ा अगर ये पढ़ाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ। शुमारे रूज गौरश अस नफस नहीं, चुनिन जो यंदा हो या बंदे कस नहीं, कि ज़माना जो है उसका शुमार। वैसे इकबाल ने असरार खुदी में आखिर के ऊपर, जहाँ हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के रेफरेंस से वक्त के बारे में कहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वक्त रा मिसले खती, वो कहा कि वक्तला मिसले खती पैमूदा ही, कि आप टाइम को एक ख़त की तरह, एक लाइन की तरह उसकी पैमाइश कर। वक्तला मिसले, या वक्तला मिसले खती गुस्तरदा, इस तरह करके लफ्ज़ है जो मुझे भूला हुआ है। इकबाल के यहाँ टाइम फ्लो जो है वो डिसकन्टीन्यूस नहीं है। अगर आप ये समझ लें कि उसमें कंटिन्यूटी है टाइम में, और यहाँ के यहाँ पे है कि ये जो सांस है हमारे, इकबाल के नज़दीक हर सांस जो है वो खुदा की तरफ से एक पैगाम है। इसकी मैं अगले अशार में वजाहत करूँगा। एवरी ब्रेथ इज़ ए मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड। वो अलहदा बात है कि आप उसको सुने या ना सुने। इन सांसों को गिन के, मैसेजेस को, आप एक टाइम का तायुन नहीं कर सकते। और यहाँ भी कहा है कि चुनिन जो यंदे या बंदे कस नहीं, वक्त की तरह तलाश करने वाला और पाने वाला कोई और नहीं। तो टाइम जो है इसको, जैसे कि किसी ने कहा था कि जो ग्रीक है उन्होंने उसको क्रोनास की शक्ल दी है, गॉड ऑफ द टाइम। पर्शियन के यहाँ जो जुर्वान का कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी मैंने आपको जावेदनामा में बयान कर दिया, जिसे इकबाल ने कहा है जुर्वान के रूह है ज़मान व मकान। इकबाल ने उस ज़मान को, जिसको लोगों ने एक इंसानी शक्ल या रूहानी इस तरह की शक्ल दी है एम्बॉडीमेंट की, उसका इनकार भी किया है और उसको शिरक से ताबीर किया है, जिसे उन्होंने कहा है खिरद हुई है ज़मान व मकान की सुन्नारी, न है ज़मान न मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अगर आप उसको ज़ुबान और मकान की वो शक्ल लाएंगे जो क्रोनोस की है या जुर्वान की है, तो फिर आप शिरक की एक इर्तकाब करेंगे। उसको भी उन्होंने कहा है कि गही वा मानदे और साहिल मकामश, गही दरिया ये बी फौन बेजामश। और कभी ज़माना जो है वा मानदा, ऐसे लगता है, ऐसे है नहीं, ऐसे लगता है कि थक के रुका हुआ है और साहिल के ऊपर मकाम कर रहा है। अब अगर आप देखें ज़ोरोएस्ट्रियंस के यहाँ, तो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये था सरूज का, कि जो आर्च एंजल है खुदा के पैगाम को लेने लाने वाला, तो वो 24 घंटे में ज़मीन का एक चक्कर लगाता है। लगाने के बाद रात शाम होती है, तो दरिया सिंध जहाँ समुंदर में गिरता है वहाँ पे वो आराम करता है साहिल के ऊपर। और अगले दिन फिर उठ के चार सफ़ेद घोड़े जिसकी रात को खींचते हैं, और खींच के फिर आसमान के सफ़र पे चला जाए। पारसियों ने जब कराची में क़याम किया, तो उन्होंने ख्याल ये था कि ये फरिश्तों की सरजमीन है और हम लॉस एंजलिस में हैं, लॉस एंजलिस फरिश्तों के साथ। तो एक्चुअली वो भी नहीं है। इकबाल ने कहा कि ऐसे अगर है ना कि साहिल उसका मकाम है वक्त का, थक गया है, गही दरिया ये बी पोयन बेजामश, और कभी ऐसे लगता है कि ये अनलेस समुंदर जो है ये उसके जाम में है। और इसका जिक्र मैंने किया था कि जहाँ ने माँ के पाओ यानी नदारत चुमाही, जिन्होंने कहा कि दर यमें अयाम गोमस्त यकी बार खुद नजर वाकुन के बीनी, यमें अयाम दर एक जाम गोमस्त। वो कहते हैं हमीन दरिया हमीन चूबे कलीमस्त, और यही जो है ज़माना, ये मूसा का डंडा भी है और ये समुंदर भी है जिसको वो डंडा फाड़ के दोस्तों में तकसीम कर लेता है। और आगे क्या है इसमें, एक मिसरा जो मैं उस दिन भी गुम कर गया था,
इसमें निकला हुआ है वो नहीं है इसमें शामिल, मैंने उस दिन भी पूछा था। और फिर कहते हैं कि वक्त जो है वो ऐसा गजाल है, ऐसा हिरन है, गजाली मरगजार आसमानी, जिसकी चरागाह जो है वो आसमान है, और खुरद आबी जो ये कहकशानी, और वो कहकशान की नदी से पानी पीता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, कहकशान, एंडलेस तारों के झुरमट, कहकशान की हरकतें, ये सारी चीज़ें कि ना हाउ इकबाल उसको टाइम के अंदर फ्रेम को ला रहे हैं। और ज़मीन व आसमान नूरा मकामी, मयान कारवान तनहा खरामी, इसका मकाम जो है वो ज़मीन भी है आसमान भी है, पूरी कायनात उसका मकाम है। और उसके मकाम के मैंने वैसे क़यामगाह होता है, लेकिन यहाँ पे क़यामगाह का मतलब रुकना नहीं है, उसका स्टेशन आप कह रहे हैं। और फिर कारवान के दरमियान भी वो तन्हा चल रहा है, खुरामीदन होता टहलना। और आलिश जहान जहान जुल्मत व नूर, सदाए सूर मर्ग व जन्नत व हूर, अगर ज़माने के अहवाल को देखेंगे, हालात को और अफकार के, इसमें ज़माने के साथ उन्होंने अफकार का जिक्र किया है, तो इन अफकार का ताल्लुक जो है किसके साथ है, उस दुनिया के साथ है जिसके अंदर जुल्मत भी है और नूर भी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने ज़ुर्बान के कॉन्सेप्ट में कहा कि एक पार उसका तारीकी है और एक पार उसका रोशनी है, जहान तारीकी की और रोशनी की, ये मतलब उनकी जो ड्यूलिज्म है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना इकबाल उस पर जाना चाहते हैं जिसका सनवियत का इजहार ज़ोरोएस्ट्रियन कहाँ मिलता है। और ज़माने और फ़िक्र के अंदर से सदाए सूर व मर्ग व जन्नत व हूर, ये जो इसराफील की करना है, जिसको पर्शियन में करनाही मैंने लफ्ज़ बोला है अपने अशार में, करना जिसको कहते थे, ना कुत्ती है ये बेंसरी, करना बहुत बड़ी बेंसरी, तो हमें बजाया जाता था बचपन में कि करना बजाएगा। सूर के मानी जो है हमें कभी भी सूर का लफ्ज़ नहीं बोला जाता था, करना का लफ्ज़ बोला जाता था। तो सदाए सूर मरगो जन्नत व हूर, मौत का ताल्लुक भी ज़माने के साथ, अफकार के साथ, जन्नत और हूर। हूर क्या है? मेरे ख्याल के मुताबिक हुसन की एम्बॉडीमेंट है, जमाल की। और साथ ही मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मैं उस एम्बॉडीमेंट की डेफिनेशन नहीं कर सकता, वो 70 मीटर वाला मैं नहीं मानता। ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसी आप उलमाए मतलब नशेदार तकरीरें करने वाले उलमा का कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन ना कुरानिक कॉन्सेप्ट है, ना कहीं इस्लाम के कॉन्सेप्ट में उसको कहा गया है कि वो 70 मीटर की हूर है, व्हाटएवर। और जो कुछ भी आप डिफाइन करेंगे, आप ये कहेंगे कि जो जमाल है ना, जमाल हैज़ बीन एम्बॉडीड इन दी हूर। अज़ू इबलीस व आदम रा नमूदी, अज़ू इबलीस व आदम रा गशूदी, उसी आपके अफकार और आपका वक्त इसको सब को इकट्ठा होता होता आदम और इबलीस की नमूद है। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है या जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है इस्लाम से पहले का, थोड़ा मतलब कंटिन्यूटी है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है बाइबल का और इस कुरान का। इबलीस वहाँ सांप की शक्ल में नज़र आता है, यहाँ पे और शक्ल में आता है, वट एवर, जन्नत के अंदर। और इबलीस और आदम जो फ़िलसफ़ी हैं, जैसे हाफिज़ हैं, तो उन्होंने मुद्दई का लफ्ज़ बोला है, दावा करने वाला, मुद्दई ख़ास के आयत में वो जो है जलवागाह में आके उस करे, मुद्दई ख़ास आयत में तो आगे जाके कहा है कि दस्त गैब आमद हो बरसीना या नामहरम जद, के गैब का एक थपेड़ा आया है और उसने उसके सीने के ऊपर ऐसे मारा है जैसे नामहरम आ गया है। मुद्दई ख़ास की आयत पे तमाशा गहे राज, मुद्दई ने ये चाहा कि इस राज की तमाशा गाह में एंटर हो, कोशिश की, आया और दस्त गैब आमद हो बरसीना ये ना महरम जद, दारदल पर तुवे हुसनत चुंद तजल्ला दम जद। ये हाफिज़ ने उससे, मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना चाहता, टाइम नहीं है। अजू इबलीस व आदम रा गशूदी, और इसी आपकी सोचों की वजह से अफकार जो है तफक्कर, वो आदम और इबलीस की गशूद है। ये लफ्ज़ गशूद है, मैंने भी गलती की थी, मैं भी गशूद कहता था, मेरे भी सारे दीवान के अंदर गशूद को गशूद में बदला है, और जो बेवकूफ़ था उसने काफ के ऊपर ना वो ज़बर डाल दी, अब सारा वो ठीक करवा रहा हूँ मैं। गशूद
اگرچہ سینٹرل ایشیا اور ایران کا فرق ہے، کشود اور گشود دونوں لفظ چلتے ہیں، کشائش گشائش، لیکن آج کل کے دور میں وہ گشود کا لفظ ہوتا ہے. حضور ابلیس و آدم را گشودی، گشود کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اوپننگ، راز کا کھل جانا، کی کا. اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ نگاہ اس جلوہ او نا شکی بس تجلی ہائی او یزن فری بس، اور نگاہ جو ہے وہ اس کے جلوے سے بے قرار ہے. آپ کی افکار، آپ کی سوچیں، ٹائم، ساری چیزیں جب ان پرسیپٹیبلی مرج کرتی ہیں تو نگاہ جو ہے وہ ناشکیب ہو جاتی ہے. ناشکیب کا مطلب ہوتا ہے بے صبرہ یا انگزائٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ناشکیبائی کا لفظ جو ہے انگزائٹی کے معنی میں بھی اینکشس. اور تجلی ہائی ہو یزدن فریب است، اور آپ کی افکار اور وقت کی جو تجلیات ہیں وہ یزدن فریب، خدا کو فریب دے. اب فریب کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے. فارسی میں بہت ساری لڑکیوں کا نام ہے فریبا، تو فریبا کا مطلب ہوتا ہے لاڈ پیار کے ساتھ جو اٹریکٹ کرے کسی کو. فریفتہ سے نکلا ہے، ٹھیک، فریفتہ، فریفتن، فریبت مزارے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس کو بھی نہیں سمجھیں کہ خدا کو یہ تجلیات جو ہیں وہ فراڈ نہیں کرتی. کشش ہے ان تجلیات، آپ کے افکار کی تجلیات. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جسے اقبال نے کہا نا کہ آپ کے افکار اور آپ کی سوچیں جو ہیں وہ جبرائیل کو بھی اپنے شکنجے میں لے آتی ہیں، اور جبرائیل کے بعد خدا کو بھی اپنے. دردشت جنون من جبریل زبون سعیدی، میرے جنون کے ڈیزرٹ میں جبریل ایک ادنا سا شکار ہے. یزدن بے کمند آور، خدا کے اوپر اپنی کمند پھینک دو. اے ہمت مردانہ، اے مردانہ. یہ انسان کی جو ہے نا، یہ ایک اس کی ایکٹیویٹی، اس کا اختیار، اس کی ساری چیزیں. ہاؤ اقبال از مینشننگ، ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے جو فارسی کے اندر ہے، تجلی ہائی ہو یزدن فریبس، اور اس کی تجلیات جو ہیں وہ یزدان سے کہا کو فریفتہ کر رہی ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اقبال نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، اس کی خود وضاحت کی ہے. درین راہ نفس دہر بر انداخت آئین، نفس ہے سانس. نفس کیا ہے؟ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دار ہے. اور یہاں پہ اقبال کہتے ہیں درین راہ، اس رستے میں نفس دہر بر انداخت آئین، ہم نے زمانے کی جو نفس ہے، زمانے کا سانس، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شمار نفس نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں آپ نے اپنے نفس کے ساتھ زمانے کو جو وابستہ کر دیا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں زمانے کی گردت سے. یہی جو وہاں پہ کہا ہے، اور یہاں انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے. اور یہ نظم کا نام بھی جہان عمل کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ماں ترین راہ نفس دہر بارنداختن، بارنداختن اکھاڑ کے پھینک دینا، آفتاب سحر ہو لب بام استنجا، اور اس کے سحر کا سورج جو ہے، اس کی صبح کا، ابھی وہ لب بام پہنچ گیا. لب بام کے دو معنی ہیں، ایک تو بام ہوتا ہے آپ کے چھت کا، جس کو پنجابی میں بنیرا کہتے ہیں، وہ ہے بام. اور دوسرا بام، صبح کو بھی بام کہتے ہیں فارسی، بامگاہ، بامداد، بامدادا. اور اقبال نے کہا بام مز خواب رشیدو صبح شکست، میری سب شکست، میری جو بام ہے صبح وہ مشرق سے آئی ہے، اور شب شکست، اور اس نے سب کو شکست دے دی. تو بام کا لفظ اقبال نے صبح کے معنی میں، اقبال نے بھی استعمال کیا، میں نے بھی کیا. میں نے بامداد کا لفظ بھی استعمال کیا، اور بامدادا کا لفظ بھی استعمال کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ. اور بامگاہ کا لفظ بھی استعمال کیا، اور بامگاہ کا لفظ بھی استعمال کیا. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آفتاب سحر ہے لب بام استنجا، کہ اس کا جو سحر ہے زمانے کی، اس کا جو سورج ہے جس نے ہمیں سحر دکھانی ہے، وہ لب بام آ پہنچا ہے. اب آپ کے سامنے اس کی تجلیات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور زمانے کی حقیقتیں آپ کے سامنے کھل رہی ہیں.
अब ये चीज़ जो है, ये वो शेर है जो अगरचे उसने ईरान के प्रेसिडेंट ने इसी नज़म से दो बंद पड़े थे, ये नहीं था, लेकिन वो हो सकता है अगर मुझे इस दफ़ा मौका मिला 9 नवंबर को तो मैं उस इस नज़म पे अपने आप को बेस करूँ, क्योंकि मैं अपना माइंड बनाता हूँ कि किस चीज़ पे मैंने बेस करना है अपने आप को। दम चीज़, ये नफस क्या है, ये मौज नफस क्या है, दम चीज़ ये सांस क्या है, प्याम अस्त, मैंने आपको मैसेज की बात की थी, शनीदी ना शनीदी, और सुना है इकबाल कहते हैं कोई नहीं सुना, दरखा के तू ये जलवा ये आम अस्त, तेरी मट्टी के अंदर वो तजल्ली है नूर ये तजल्ली भी इसी खाक में, दरखा के तू जलवा ये आम अस्त ना दीदी, तूने कोई नहीं देखा, दीदन दिगर आमूस शनीदन दिगर आमूस, नए तरीके से देखना सीख और नए तरीके से सुनना सीख। आगे ये कहते हैं जहान मात के पाव यानी नदारत, ये दुनिया जो एंडलेस है, हमारा जहान चुमाही दर यमे अयाम गरकस, एक मछली की तरह जमाने के समुंदर में गर्क है, जमाना क्या है, समुंदर है, और जहान क्या है, एक मछली की तरह है, और मछली की हकीकत क्या है जमाने में, आप ये समझ लें। और आगे चल के इकबाल कहते हैं यकी बर खुद नजर पाकुन के भी नहीं, एक निगाह अपने आप के डाल तो तू देख लेगा, यमे अय्याम दर एक जाम गरकस, कि ये सारे के सारा जमाने का समुंदर एक जाम के अंदर गर्क है। अगर कोई शख्स इन चार मिसरों को समझ जाए तो इकबाल के जमान के फलसफे को वो समझ सकता। इट इज सो, मतलब उन्होंने पहले कहा कि जहान क्या है जिसे आप मकान कह सकते हैं, फिर उस जहान को मछली से तशबीह दी है, और फिर उन्होंने कहा कहाँ पे है, जमाने के समुंदर में गर्क है, उन्होंने कहा अपने आप पे देख तू क्या है, तेरी खुद ही क्या है, एंडलेस, तो ये समझ ले कि ये जो तुम्हारा जाम है खुद ही का, इसके अंदर सब कुछ ही गर्क है। 3 लेयर्स उन्होंने बना दी हैं। और अब आके प्यामे मशरक में कहते हैं नफस आशिफ्ताए मौजी अज यमे उस्त नये मार नगमा ये मा अज दमे उस्त, के नफस जो है हमारे सांसें आशुफ्ता मौजी, आशुफ्तन मैंने बताया था आशोब इससे निकला है, ठीक है ना, आशोब की हालत में जो लहर है आज यमे उसके समुंदर से है, समुंदर। अब जब सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपने तो जमाने को ये कुछ कह दिया और फिर जमाने को दहर कह दिया, तो गल उथे मुका दी जिसे क्या कि जिंदगी अजदाहर उदाहर जिंदगी ला तसबुदाहर फरमान नबीस, अल्लाह कहता है आज उसने फरमाया कि जमाने को बुरा वाला ना को मैं खुद जमाना हूं। और जब ये हदीस बरगसान को इकबाल ने पेरिस में सुनाई, 85 साल का बाबा कुर्सी से नीचे गिर गया, उसने कहा वाकई हदीस है, ही कुडंट इवन इमेजिन दिस थिंग, इस कदर गहराई है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल में। अब ये जो है अल्लाह कहते हैं महज़, अब ये चीज़ें सारी इम्पर्सिव आपके तफक्कुरात ज़माने के साथ मर्ज हो गए और ज़माने को खुदा के साथ मर्ज कर दिया, और फिर उसने कहा खुदा ने ज़माने को बुरा मत कहो, ठीक। अब वो क्रोनोस के कॉन्सेप्ट जो मसला ये था कि हमने इन सिफात को अलग कर दिया है, और वही मसला आ जाता है सिफात ज़ात हक़ हक़ से जुदा या अहने ज़ात, और ये जो है नये मा नगमा ये माज दमे उस, हमारी बंसरी हमारा नगमा उसी के दम की वजह से है, लबे जुए अब चुन सब्ज रुस्तीम रगे मारीशा ये मा अज नमे उस, हम नदी के किनारे लबे जुए अबद, हमेशगी की नदी के किनारे, अबद की नदी के किनारे पे जो सब्ज रुस्तीम, हम सब्जे की तरह कोंपलों की तरह फूटे, अबद है हमेशा की जावदानी, उसकी एक नदी है, उसका एक किनारा है, और उसके किनारे हम क्या हैं, हम कोंपलों की तरह फूटते हैं उस किनारे, और रगे माँ हमारी रगें, रेशा ये माँ हमारा रेशा, रेशा रगों के अंदर धागा है जो इंसान के जिस्म के अंदर जैसे मसल्स हैं उनके अंदर धागे धागे, आज नमे उस नदी की नमी की वजह से ये सब कुछ।
अब मसला ये है कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं, गो कि मैं साफ कहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि इकबाल वाहदतुल वजूदी है, लेकिन आप इसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे? कर सकते हैं तो बता दें। क्यों जी अनायत साहब, अनायत साहब आए ना, मसला मैं दसो ना। ठीक, आगे कहते हैं, दिले मन धरत लिस्मे खुद असीरस्त, जहां नज परत वे उताब गीरस्त, लेकिन मेरा दिल अपने तिलिस्म में अभी तक कैद है, जहां नज परत वे उताब गीरस्त। और ये जहान जो है अल्लाह के परतों से चमक पा रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हजरत मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कही है कि खुदा का रिफ्लेक्शन है ये जहान, अक्स। यही कहा है ना, हमें अज उस, हमें उसने कहा, हमें अज उस का अक्स है, और वो अक्स जो है वो अपनी उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी तख्लीक है खुदा की। और साथ ये कहती है ना बाइबल, तो ये कहती है ना खुदा ने कहा कि इंसान को मैंने अपनी शक्ल पे पैदा किया। हम जो है हमने अपनी शक्लों के बुत बना के खुदा को पूजना शुरू, बुतों को पूजना शुरू कर खुदा समझ। एक ऐसा आवागून का चक्कर है जिसको मैं आगे चल के बयान करूंगा, मपुर सस मपुर सस सुबह शामम जाफ तौबी के पीछे रोजगार मन परीरस्त। मेरी सुबह शाम के बारे में कोई मत पूछो कि मेरे ज़माने के सामने, जो ज़माने को मैं मानता हूँ, ये सूरज भी जो है वो पुरानी बात है, माजी की बात है। और आगे क्या है, ये इकबाल के वो अशआर हैं जो उन्होंने, मैं अब वापस आ रहा हूँ इस वक्त मसनवी गुलशन राज़े जदीद पे, बेचश्मी खलवत खुदरा बेबीनत, बेचश्मी जलवत खुदरा बेबीनत, अफकार जमाना खुदा इंसान, बेचश्मी एक निगाह दौड़ाता है तो अपनी खलवत की तरफ निगाह डालता है, एक निगाह अपनी जलवत की तरफ। इकबाल ने खलवत और जलवत का जिक्र जा किया है, उसकी भी किया है ना वो आइंस्टाइन के जमाने। और खलबत उचुन सुगाले तीरे, ये अंदर मुगाक, वो खलबत में जाते हैं ऐसे होते जैसे काले कोले जो कान के अंदर है उसकी तरह है, और जब जलबत में आते हैं तो फरिश्ता और हूर से बेहतर हो जाता है। खलबत और जलबत क्या है? खलाओ मला, ऐब खलाओ मला, ये भी फारसी में बड़ा जबरदस्त जिक्र आता है, जलाओ मला खलाओ मला, तो जल्लियात खफी जलवी है कि नशनासी खफी राज जली होशियार बाश, तो खफी और जली को नहीं पहचानता, होशियार हो जा। और आगे चल के कहते हैं, अगर ये कि चश्म बंदत, अगर ये कि चश्म बर बंदत गुनाहीस, अगर बा हर दो बीनत शर्त राहीस, अगर इंसान जो है वो रस्ते पे चलता चलता अपने तफक्कर की एक आंख बंद कर ले तो वो गुनाह है, और दोनों आंखें खोल ले तो फिर रस्ते की शर्त पूरी करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। एक जलबत की आंख है, एक खलबत की, रात के अंदर डाइकॉटमी ड्यूअलिज्म, इस सारी चीजों पे मैं लिखी हुई है किताब में, एक एक किताब करके निकाल रहा हूं तौहीद के ऊपर, वहां पे ड्यूअलिज्म पे मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, उसमें मैंने ये बात की है हर चीज की। और आगे कहते हैं कि जुए खीश बहरी याफरीनद, गोहर गर्दत बे कह कार खुद नशीनद, जुए खीश बहरी याफरीनद, अपनी नदी से वो समुंदर को पैदा कर देता है। कतरा दरिया में मिले तो दरिया हो जाए, नदी जो है समुंदर में जा मिलती है, अपनी नदी जब समुंदर में जा मिलती है तो समुंदर नदी को आगोश में नहीं लेता है? नदी समुंदर को अपनी आगोश में ले लेते। एक कॉन्सेप्ट ना इकबाल का, ये खुद अपनी नदी से बहरी आफरी नदी वो समुंदर को पैदा कर देता है, यानी वो नदी जो है समुंदर को अपनी आगोश में ले लेती। और इकबाल ने नदी को एक और मायने में भी बयान किया है, जहां उसने खुद ही को डिस्टिंक्ट किया इंसान की, उसको कहा है कि ए खुनक जू ये तनक माओ के अजूर खुदी, बेदिल खाक फरू रफ्त व दरिया न रसीद, आफरी है उस नदी पे जिसका पानी थोड़ा है
और उसकी खुद ही जो है वो बुलंद है, उसने अपने आप को डेजर्ट की रेत में गर्क कर दी है लेकिन समुंदर तक नहीं पहुंचे, ताकि उसकी डिस्टिंक्शन ना खत्म हो। ये भी इकबाल ने कहा, और ये मेरा ख्याल दरिया जिंदारूद के बारे में कहा, जो इस्फहान से गुजरता है और जाके डेजर्ट में गुम हो जाता है। ये भी आगे चल के कहते हैं कि जुए खीश बहरी आफरीनत गोहर गर्दत में खारे खुद नशीनत, और कभी वही समुंदर का पानी के कतरा गोहर में तब्दील हो जाता है, अपनी ही गहराई में जा बैठता है। यानी जो मोती है, हीरा है, उदाहरण से इकबाल कहते हैं कि वो समुंदर का अमीन ही नहीं है, उसने समुंदर को अपने अंदर जज्ब कर रखा है अपनी रोशनी और कदर कीमत की वजह से। गोहर गर्दत वो मोती बन जाता है, बदर कारे खुद निशीनत और अपनी ही गहराई में जाके बैठ जाता है। आप ये देखिए कि किस कदर वो गहराई में जा रहे हैं और किस कदर हमन दम सूरत दीगर पजीरत शबत गवास खुदरा बाजगीरत, और फिर वही समुंदर, वही जमाना, वही अफकार एक और सूरत इख्तियार कर लेता है। हमन दम उसी लमहे सूरत दीगर पजीरफ्तन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या अपने आप पे अडॉप्ट कर लेना, तो एक और सूरत अख्तियार कर लेता है और वही पानी गवास हो जाता है, डुबकी लगाने वाला डाइवर, और फिर खुद राबाज गिरद और खुद डाइविंग करता करता अपने आप को पा लेता है। असल में हीरे को वो डाइवर नहीं पाता, अपनी खुदी को वही पाता है जो उसके अंदर है, वही शक्लें बदल रहे। आप मौजूद खवातीन और रात बातें बड़ी मुश्किल होती चली जा रही हैं, और मैं नहीं कह रहा, ये वो चीज़ है जहाँ मैं हमेशा अपनी बहन अल्लाह उसको जिंदगी से दिस वेरी नाइस लेडी डॉक्टर बसीरा अम्बरीन, मैं उसको कहता हूँ कि मसनवी गुलशन राज है जदीद के अंदर वातुल वजूद है, वो कहती है नहीं है। मैंने कहा आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे उसको, ये जो है आपकी अरमगाने हिजाज की रुबाइयात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 14 रुबाइयां जो लाला तूर की मैं कहता हूँ आउट ऑफ 53। अच्छा अब आपको, आप मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, वही समुंदर है, वही अपने आप को मोती में बदल देता है, और वही मोती जो है अपनी गहराई में जा छुपता है, लेकिन कोई जोश व खरोश नहीं नजर आता। और दरू रंगो सदा भी चश्मो गुशस्त, वहाँ रंग भी हैं और आवाज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ आँख भी नहीं है और कान भी नहीं है। देख लें एग्जैक्ट वर्ड इकबाल के तो यही है ना, दरू रंगो सदा बेचश्मो गुशस्त हैं, नज़र नहीं आते, आँखें भी कोनी, कान भी कोनी, यानी आपकी ये ज़ाहिरी आँखें, आपके ज़ाहिरी कान उसको परसीव कर ही नहीं सकते। ये क्योंकि हम अपने विजदान को बढ़ा लेते हैं, विजदान की जब कैफियत में आप आ गए हैं, या फना की, फना तो बहुत अगली स्टेज है ना सूफिया की, जब आप इस कैफियत में आ गए हैं तो रंग भी हैं, सदाएं भी हैं, आपके सामने सब कुछ रुक जाता है, हंगामे भी हैं, लेकिन गाऊंगा जोशो खरोश नजर नहीं आता, फील ही नहीं होता। और ये एग्जैक्ट इस तरह है, आप मेरी मिसाल सुने, जब आता है ना ये समुंदर के अंदर तूफान सुनामी आता है, वो शख्स जो बैरी जहाज में बैठा होता है उसे पता ही नहीं चलता, पता उन्होंने लगता है साहिल से बैठा होता है, जिंदी बिल्डिंग से उत्ते आके तो भाजदा है, कभी कोई जहाज डूबे, दरू हंगामा हा, हंगामा है ये बी खुरूश। अब ये मतलब ये ना कि जहाज वाले के लिए वही चीज डिफरेंट है, साहिल पे बैठे हुए वाले डिफरेंट है। ठीक आगे क्या कहते हैं, दरुन शीशा ये दरुन शीशा ये उरूज गौरस वली बरमा बतदरी जाशकारस, और उसके शीशे, शीशा किसे कहते हैं, जहाँ फारसी में शीशा का लफ्ज़ आता है यहाँ जामो सबू में मराद दी जाती है, इसमें ज़र्फ़ मकान जो पढ़ाया जाता था हमें, शीशा का मैना जो है कि वो जामो सबू के मैने, और इकबाल ने जब उसका जिक्र किया है, जब फ्रेंच को जर्मन उन्होंने अपना फ्रेंच को उन्होंने शाम का मुल्क अता किया,
इकबाल कहते हैं रिंदाने फ्रांसिस के, रिंदाने फ्रांसिस का मैं खाना सलामत, पुर है मैं ये गुल रंग से हर शीशा हलब का। हलब के अंदर जितने शीशे हैं वो गुल रंग, गुलो लाला के रंग वाले शराब से भरे हुए हैं। और है खा के फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे क्यों हक नहीं अहले अरब का। शीशा, यहाँ शीशा का लफ्ज़ पर उर्दू में भी इकबाल ने इस्तेमाल किया है, हालांकि इकबाल फारसी के अंदर तो शीशे से मुराद ही जामसबू लिया जाता है। और शीशा का लफ्ज़ जो है ना, ये फारसी में मैंने बड़ा सोचा कहाँ से आया, ये अरबी के अंदर शुआएँ जो है ना, अशआ शाह शाह शुआएँ जो चमकती हैं ऐसे करके पढ़ती हैं, उसको जब फारसी के अंदर लिया गया तो शीशा कहला, जो अरबी के अंदर उस तरह मुस्तमल नहीं। अगरचे मक्का के अंदर एक सप्ताह जिसका नाम शीशा आदमी था ऐसे ही, लेकिन शीशा से मुराद पर्शियन के अंदर जाम व सबू लिए जाते हैं शराब खाने के। यहाँ पे इसमें ज़र्फ वाली बात आ जाती है जी। हुक्का को तो हम शीशा कहते हैं ना, हम कहते हैं शीशा पिए, और हुक्का को शीशा हम नहीं कहते थे। ये आजकल के बच्चे जो है ना, जो डूपर, इन्होंने इसका नाम शीशा रख दिया है, ये हम नहीं कहते थे। हम तो इसको कुलियान कहते थे या हुक्का कहते थे, ठीक है। हुक्का भी फारसी का लफ्ज़ है, और हुक्का के मैं डब्बी होता है, और हुक्का बाज होता है जो डब्बी दिखा के ना फ्रॉड करे, शोबदा बाज को भी हुक्का बाज। अच्छा सर, मुसफ़्फ़ी हमदानी ने ये शीशा जो है ना, वो आँख के लिए इस्तेमाल, हाँ आँख के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंस के लिए। लेंस भी तो आपका आईना है ना, वो शीशे की तरह ना, लेकिन एक्चुअली जो फारसी के अंदर है ना, वो हम इसको जाम व सबू के मानने में इस्तेमाल करते हैं, जब आप शायरी में इस्तेमाल कर। दरूने शीशा ये उरूज़गार अस्त, बात इकबाल ने वही कर दिया जो उधर की है, कि यमे अय्याम दारी एक जाम गर्क अस्त, ज़माने का समुंदर एक जाम के अंदर गर्क है। और यहाँ ये लफ्ज़ कहे हैं कि दरूने शीशा ये उरूज़गार अस्त, उसी के शीशे के जाम व सबू के अंदर सारा ज़माना घूमने वाला। मैं वही कहता हूँ ना कि अगर आपने इकबाल को भी समझना है तो इकबाल को देखें कि दूसरी जगह उन्होंने उसको अल्फाज को कहाँ कैसे बयान किया, या रूमी को देखें, फरमाते हैं वली बा मा बतदरीज आशकारस। मसला ये है कि हम पे हर हकीकत एकदम मुनकशिफ नहीं होती, बतदरीज मुनकशिफ होती, ग्रेजुअली। और ग्रेजुअली इस तरह होती है, जब आप सालक है ना, जैसे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जब ये मसनवी शुरू की, कि एक है सालक, एक है मुसाफिर, और एक है मंजिल पर पहुँचा हुआ, और एक है आरफ। सालक जो है वो है जो रास्ता चलता चलता आगे बढ़ता है बतदरीज, और अक्सर सालक ऐसे होते हैं जो या डेजर्ट में गुम हो जाते हैं या राज रह जाते हैं। जब आप पे हकायक मुनकशिफ होने लगते हैं तो अक्सर लोग उसकी ताब नहीं ला सकते, कहते हैं मैं पहुंच गया हूं बस, और कोई भी नहीं पहुंच सकता। अगर कोई बंदा पहुंच जाता है अपनी मंजिल के ऊपर इरफान की, तो अल्लाह के रसूल इस्तगफार ना कहते, हालांकि वो मोस्ट अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटी है, हकीकत में पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया अस्तगफिरुल्लाह का, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। इल्म है, एंड पे है पैगंबर के अंदर, लेकिन फिर अल्लाह कहते हैं ऐ नबी तू कह दे कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म वाइज दो आपको बताने के लिए कि हकीकत एंडलेस है। ये जो आपने फरमाया ये भी हदीस नहीं है, इस पर भी मैंने बड़ी बहस की है, ठीक है ना, इस पर भी मैं किसी दिन आपको पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। ये भी सूफिया का कौल है, एक भी हदीस की किताब शिया की हो या सुन्नी की हो ऑथेंटिकेट मुझे दिखा दे, ठीक है, उसमें भी नहीं है। ये सूफिया के अकवाल है। आगे चल के कहते हैं आई एम सॉरी फॉर दैट, हयात अज वही बरंदाजत कमंदी शबद सयाद हर पस्तो बुलंदी। बारंदा आख्तन का मतलब क्या होता है? बारंदा आख्तन कमंद, जिंदगी क्या करती है, जिंदगी जो है वो कमंद फेंकती है जमाने के ऊपर, अफकार फिर अपनी कमंद को उठा लेती है। लाइफ पूरा अपने आप को, लाइफ उस जमाने को अपने आप में जकड़ सकती ही नहीं, फड़न की कोशिश जरूर कर दी है जमाने में। याद अय्यामी के खिंगे रोजगार, बातवाना दस्तीए माबूद यार, इकबाल ने कहा है
कि याद उस वक्त को करें जब ज़माने का घोड़ा हमारी स्ट्रेंथ की वजह से बात तवाना दस्ती है माँ, हमारे जब हाथ मजबूत थे यार हमारे साथ ही होता था, दोस्त होता था। ये कहा, ये नहीं कहा कि हमने ज़माने को कंट्रोल किया है, हमने ज़माने की हम नशीनी की है, उसके साथ दोस्ती की है, करने की कोशिश की है। और हयात है वही बरंदाजत कमंदी, और ज़िंदगी जो है उससे कमंद उठा लेती है, शिवत सयाद हर पस्तो बुलंदी, और ज़िंदगी क्या है वो शिकारी बन जाती है हर पस्ती और बुलंदी। अगर ज़माने के ऊपर उसकी कमांड इतनी पक्की हो जाए तो फिर उसका अगला इश्तियाक ख़त्म हो जाएगा, फिर और कहीं कमांड फेंक सके। पस्ती और बुलंदी रोज़गार की, पस्त और बुलंद क्या है, सिफली और अलवी क्या है, सिफली जज्बात अलवी जज्बात इंसान के फरिश्ते के, सिफली नीचे के, ठीक है ना। इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, रूह है मादा है, मादे के रूह के, यहाँ है पस्ती और बुलंदी। बुलंदी क्या है, पस्ती क्या है, पस्त जिसका ताल्लुक मादा के साथ है, माया के साथ है, और बुलंदी क्या है जिसका ताल्लुक आत्मा के साथ है। अगर आप वेदांता के मानों में जाएंगे, अगर जी मैं उन मानों में नहीं जाता जैसे वेदांता ने बयान किया है, आगे कहते हैं अजू खुदरा बे बंदे खुद दरा औरत गुलुए मासवा रो हम फशारद। और फिर जब ये सयाद हो जाता है तो फिर अजू खुदरा बे बंदे खुद दरारद, फिर अपने उसका शिकार करता करता खुद शिकार हो जाता है। अजू खुदरा उसके बाद अज उसकी वजह से अपने आप को बेबंदे खुद दरारद अपने बंद में ले आता है, आप ही शिकारी हो जाता है, आप ही शिकार हो जाता है, अपने आप को काबू कर लेता। सेल्फ कंट्रोल का लफ्ज है ये, सेल्फ कंट्रोल जो है मुराकबे के साथ जब आता है इंसान को अपने नफ्स के ऊपर, गलबा जब आ जाता है उसके ऊपर, अपने गालिब आ जाता है अपने, सेल्फ कंट्रोल ही सारी चीज़ है। जहाँ आप अचीव करते हैं गुलुए मासवारा हम फिशार, फिर उसका वक्त आता है कि मासवा अल्लाह का जो गला है उसको फिर ऐसे करके फशुर्दन होता है, कोट देना ऐसे करके प्रेशर, ठीक। अब अगर है ना दो आलम मीशवद रूजी शिकारश फतह दंदर कमंदे ताब दौरश, दोनों जहान जो है एक दिन उसके शिकार हो जाते हैं और फिर उसकी चमकती हुई कमंद के अंदर आ गिरते हैं दोनों जहान। अगर इन हर दो आलम रह बेगीरी हमें आफाक मीर तू न मीरी, अगर इन दोनों जहानों को तू पकड़ ले काबू कर ले हमें आफाक मीरत, ये सारे हॉराइजन ख़त्म हो जाएंगे, तू न मीरी तू नहीं मर सकेगा। और ये एग्जैक्ट जो उसने उर्दू में कहा है इकबाल ने कि काफर की ये पहचान कि आफाक में, मोमन की है पहचान कि गुम उसमें है। यहाँ उन्होंने कहा ये आफाक जो है मर जाए ख़त्म हो जाएंगे, यानी आफाक क्या है, जो आपको हराइजन नज़र आते हैं वो आपकी लिमिट है। कहते वो आफाक ने कैसे मरना है, वो लिमिट ख़त्म हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे, तुम नहीं मरेगा। जिस दिन इंसान हयात जावदान पा जाएगा उसके लिए कायनात की वसतें खुल के रह जाएंगी। और यही वो चीज़ है जिसे इकबाल ने गालिब हल्लाज तहरा के ज़िमन में भी कहा है, और हमेशा ये कहा है कि जन्नत आशिक तमाशा वजूद भी कहा है, और जन्नत जो है ना सैर दवाम भी कहा है, हमेशा की गर्दिश यही है जन्नत, यही है हयात जावदान जो है इंसान की, वो इंसान के ऊपर तमाम कैदो बंद तमाम लिमिट्स को ख़त्म कर देती। ये इकबाल का फ़लसफ़ा है, सूफिया का फ़लसफ़ा है, अनलिमिटेड हो जाना, ज़मानो मकान की कैद से बड़े जाइए कोहे दरां तोड़ कर, तिलिस्मे ज़मानो सितारों से आगे जहां और भी है, और माहौम कारवां थक कर फला की वसतों में रह गया, मेरे माहो मुश्तरी को हम ना समझा था मैं। अब इकबाल को जब आप सारे अल्फाज को अशार को इकट्ठा करके देखते हैं तदबीक करते हैं फिर आप पे हकीकत मुनकशिफ होती है। तो रासान शबत तस्खीर आफाक खुनक रूजी के गिरी, आगे कहते हैं कि बेतस्खीर खुद उफ्तादी अगर ताक, तो रासान शबत तस्खीर आफाक अगर अपने आप को मुसखर कर दे काबू कर दे तस्खीर कर दे अपनी अपनी दाद को, अगर तस्खीर खुद बेतस्खीर खुद उफ्तादी अगर ताक, अगर आप तू ताक हो जाए, ताक कहते हैं यकता वाहिद, अगर तू अपने आप को तस्खीर करके अपने आप को डिस्टिंग्विश कर ले
तो क्या होगा, तुरा आसान शबत्ता तस्खीर आफाक, तो तुम्हें आफाक की तस्खीर आसान हो जाएगी। फिर तू सारे जहानों का आका हो जाएगा जिसने अपने आप को पा लिया, उसने आफाक को पा लिया। खुनक रूजी के गिरी इन जहान रा शकाफी सीना नो आसमान रा। अल्लाह के बंदो, ये शगाफी नहीं है, शगाफ नहीं है फारसी में, वो मैं भी सारे गाफ सीधे करके काफ कीते ने, मेरा काफी हो, मेरा वक्त लगा है, और अपना पूरा दीवान मैं सीधा करना पे है। ठीक, वो कितने मैं गाफ लाने पे ने, कितने काफ लाने पे ने, और तलब गार तलबकार करना पे है। और सब तो मुश्किल काम फारसी सीख, फारसी शेर कह दिया नहीं सी कि फारसी होनी चाहिए, वो जो कुछ आ रहा उन्होंने भुलाना भी बड़ा औखा सी, वो तलबगार है ही नहीं, तलबकार है, विदेकार, गुशाद नहीं, कुशाद नहीं है, गुशाद है, गशुदन, कुंजिश्क नहीं है, गुंजिश्क है, फटा ही पिया होया कि फारसी खराब कर दी उर्दू च, असी तो असी उन्हें सही कर दोबारा सही करना। ठीक, ये मुझे मुश्किल पड़ी थी अपना दीवान लिखते वक्त। और आगे चल के कहते हैं, शकाफी सीना नो आसमान रा खुनक रूजी, खुनक का मतलब ठंडा, लेकिन फारसी में ले जाता है मुबारक। शहर यसरब अल्दो आलम खुशतरस, ऐ खुनक शहरी के दर वही दिल बरस, मुबारक है वो शहर जिसमें महबूब मौजूद है। यहाँ पे कहते हैं, खुनक रूजी, मुबारक है वो दिन कि गिरी इन जहान रा, जब इस जहान पे तू कंट्रोल हासिल कर देगा। जहानगीर वो तो थोड़े बादशाह का नाम सी, द पर्सन हु होल्ड द होल वर्ल्ड, कंट्रोल द होल वर्ल्ड। अल्लाह सारे भूला नु माफ करे, बख्श देवे उन्होंने गुनाह, उन्होंने कम अज कम फांसी और कुछ किया नहीं किया। अकबर ने फड़ के दीन का बेड़ा गर्क करता, लेकिन उत्तों लग के थले तक फांसी राज करती, हिंदुओं दी किताबों में फांसी करा दी। उन्हें क्या लैंग्वेज से कोई कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। एंड द वे, इतनी कामयाबी के साथ पर्शियन को राज करना, ये इट इज इम्पॉसिबल, वर्चुअली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी नाफज नहीं हो सकी, उर्दू नहीं आ सकी लोगों को, उन्हें सारे फारसी सिखा दी। खुनक रूजी के गिरी इन जहान रा, मुबारक है वो दिन को इस जहान को अपने कंट्रोल में ले लेगा। शकाफी सीना ये नो आसमान रा, और नौ आसमान के सीने को शकाफ डाल के रख देगा। शकाफ का मतलब क्या होता है, फाड़ के रख, और इसी से शकूफा निकला है, शकूफा हो गया कि जब फट के फूल निकला होगा, शकुफतन भी इसी से निकला है, फूल जो फट के खिलता है। ठीक, शकाफ पे आ जाने में, गुदाजत माह पीछे गुजारत माह पीछे तू सजूदी, बरू पीछी कुमंदत मौज दूदी, गुजारत माह चांद तेरे सामने सजदा जो है सजदा रेज हो जाता है, गुजारत सजदा गुजारदा है, यानी तेरे सामने चांद भी सजदे में पड़ जाता है। बरू पीछी कुमंद मौज दूदी, और उसके ऊपर तू कमंद फेरता है, धुएं की मौज की कमंद फेंक देता है। और आगे कहा है कि दरिन दायरे कोहन आजाद बाशी, इस पुराने मंदिर से तू आजाद हो। दायरे कोहन क्या है, ये दुनिया जिसको हमने मंदिर बना रखा है, मंदिर है ना, बोती बोते हैं, कहीं भुताने वहमो गमा है, कहीं लातो मनात है, कहीं उजा है। तो इस दायरे कोहन को से तू आजाद हो जाएगा, और फिर बुतन रा बर मुरादे खुद तराशी, और फिर अपनी मर्जी से बुत तराशना शुरू कर दे नए बुत। ये मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्योंकि आज जैसे जावेद इकबाल के आज मैं पढ़ाता तो बड़ा मजा आता, आगे मैं लाया हुआ उस राइडे, तराशी दम सनम बर सूरते खीश, क्या कहा कि मैंने अपनी शक्ल के मुताबिक बुत बनाए हैं, तराशे हैं, तराशी दम सनम बर सूरते खीश। और आगे कहा है कि मैंने बाहर रंगी के हस्तम खुद परस्तम, मैं जैसा भी हूँ बेशकले खुद खुदा रा नक्श बस्तम, मैंने अपनी शक्ल के मुताबिक खुदा का नक्शा बनाया है। मराज खुद बरून रफ्तन महाल हस्त, मुझे अपने आप से बाहर निकलना नामुमकिन है, बाहर रंगी के हस्तम खुद परस्तम, जहाँ भी हूँ मैं अपना खुद परस्ती हूँ। ठीक, मैं अभी इसमें तो जाता नहीं आज, और बकफ बुर्दन जहाँ ने चार सूरा चार
किनारों वाले जहान को, चार साइड वाले जहान को अपने हाथ में पकड़ लेना, मकाम नूर और सूरत रंगो बूरा, और नूर और सौत आवाज और रंग और खुशबू के मुकाम को कंट्रोल कर लेना और इसको निगेट कर देना। फदूनश कम 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 कमे उबीश करदन, दिगर गुम भर मरादे खीश करदन। फजान फजूनश कम, उसका जो फजू है, जो चीज़ें अफरात है, उसको कम करूँगा और कम को मैं ज़्यादा करूँगा ताकि इतदाल और बैलेंस पैदा कर सकूँ। बस समा और वादा मीज़ान, दिगर गुन बर मरादे खींच कर दन, और फिर मैं इस सारी चीज़ों को तोड़ के अपनी मुराद के मुताबिक फिर जोड़ूंगा। दिगर गुन एक और शक्ल दूंगा, दिगर गुन दूसरी अंदाज से बर मुरादे खींच, अपनी मुराद के मुताबिक। बरंजो राहत वो दिल न बस्तन, तलिस्म नुख्स पैर वो शिकस्तन। इस जहान के रंज और राहत के साथ दिल ना बांधना और नौ आसमानों के तिलिस्मात को तोड़ देना। फरून रफ्तन चुपाई का अंदर जमीरश, न दादन गंध में खुद बा शईरश। शईर कहते हैं इसको जौ को, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। फरू रफ्तन चुपाई कन, पैकन कहते हैं तीर को, दर जमीरश, कायनात के जमीर के अंदर तीर की तरह घुस जाना। फरू रफ्तन घुस जाना, चुपैकन तीर की तरह, दर जमीरश जमाने के जमीर में, और न दादन गंध में खुद बाश शहीरश, उसके जो जौ हैं कायनात के वो लेते हुए अपनी गंदम ना दें। और दाना गंदम जो है, ये जो चक्कर है, ये बड़ा आप आज टाइम नहीं है, मैं आपको बताता कि गंदम खादा तो निकला है, उस गंदम ने आपको खुद ही अता की, उस गंदम ने आपको इख्तियार अता किया, और आज भी गंदम के असीर हैं। वो चाहते हैं गंदम दे दें अपना इख्तियार, जौ ले लें। लेकिन आगे चल के कहते हैं, हमीन मुल्क अस्त शिकोहे खुसरवी इनस्त इनस्त, हमीन मुल्क अस्त कुतोम बेदीनस्त। खुसरो की जो शान शौकत है वो यही है, वो यही है। और हमीन मुल्क अस्त कुतोम बेदीनस्त, ये वो मुल्क है जो दीन का तोम है। तोम कहते हैं, क्या कहते हैं किसको, ये जो जुड़वा भाई होता है ना, एक दम पैदा हो। अस्तीनों वाल मुल्क तवामान, ये एक रवायत थी जो हमेशा हमारी किताबों में फारसी में मेंशन की जाती थी कि दीन और सियासत दोनों, दीन और मुल्क दोनों जुड़वा भाई हैं। और यही वो हकीकत है जहाँ दीन और दुनिया को इकट्ठी कर दो। यही भी इकबाल ने कहा है, फ़क्र बाशी बाश को है खुसरवे परवीज बख, या अता फरमा खिरद चुन फित दर जाया दर फितरत रूहल अमीन, या फिर हजरत रूहल अमीन जिब्राज की तरह की सोच अता कर, या चुनान को या चुनी। इकबाल ने क्यों खुसरो परवेज की फ़क्र की बात वो की है, उसकी शान शौक शिकोहे फ़क्र, ये कहा है कि जब आप इस मुकाम पे आ जाते हैं तो वो है जो ज़ाहरी शान शौकत थी। और इकबाल ने कहा है कि हमारे जो साथी हैं वो मुझसे भाग रहे हैं, क्यों, वो मुझसे शायरी मांगते हैं। वो हदीसे दिलबरी खाहत ज़मन, वो महबूबों की बातें मांगते हैं। रंगो आबे शायरी खाहत ज़मन, शेर के रंग और आबो ताब मांगते हैं। मन शुको है खुसर भी उरादा, मैं तो उसको खुसरो की शान शौकत देना चाहता। क्या कहा, ताजे किसरा जीरे पाई ऊ नहम, मैं किसरा दा ताज ला के उहदे पैरां दे थले रखना चाहता। वो जो है ना, और कहा है अल्लाह के रसूल के बारे में इकबाल ने कहा है कि वो चश्मश मुद्दती महरूम नौम, एक लंबा अरसा आंखें उनकी नींद से महरूम रही। ताब तख्त खुसर भी खाबूद कौम, हत्ता कि उनकी सारी कौम जो थी खुसरो परवेज के तख्त पर सो गई। ये एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं मजीद नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा पहले मैं बदनाम हूँ, मैं जैसे वो ज़ोरोएस्ट्रियन फिलॉसफी और इकबाल की बात करता हूँ, ये चीज़ें सारी मर्ज इसलिए हो जाती हैं कि इकबाल का जो चश्माए अलूम है उनके हिकमत का, उसको मैंने भी पढ़ा है और मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो करता हूँ जैसे इकबाल उन अल्फाज को फॉलो करते हैं। हमारी इस्तलाहात भी वो हैं, टर्मिनोलॉजी भी वही है, हमारी लैंग्वेज भी वो है। और ये जो लैंग्वेज है, खुदा के बंदो, इस लैंग्वेज का एक अपनी रूह है, और इस लैंग्वेज की
तर्जमा करते वक्त उन लफ्ज़ों को उर्दू के मानों में ना लेना जैसे उर्दू में हमने राइज कर रखे हैं। इकबाल ने भी फारसी को फारसी में लिया। वमा अला अल्लाह, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे।